पराशर झील मंडी जिला में धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। देव संस्कृति का ये केंद्र हुआ करता था, मगर अब पराशर घाटी के सड़क से जुड़ जाने से धीरे धीरे ये झील धार्मिक आस्था की बजाय पर्यटकों के लिए मौज मस्ती करने का अड्डा बनती जा रही है, जिससे पराशर मंदिर कमेटी बेहद हताश है। इसी हताशा को लेकर मंदिर कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल कमेटी प्रधान बलबीर ठाकुर की अगुवाई में उपज मंडी समिति के चेयरमैन जगदीश ठाकुर से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने पराशर झील के अस्तित्व को बचाने के लिए मंदिर कमेटी की ओर आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। मंदिर कमेटी के प्रधान बलबीर ठाकुर ने बताया कि कोई जमाना था जब झील देव संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी, मगर जैसे ही ये सड़क सुविधा से जुड़ी है ये धार्मिक आस्था का प्रतीक कम मौज मस्ती का केंद्र ज़्यादा बनती जा रही है, जिससे यहाँ की संस्कृति स्वच्छता और सुंदरता को बचाना धीरे धीरे पराशर कमेटी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। मंदिर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी से प्राथमिक चेक पोस्ट लगाने का आग्रह भी किया, ताकि उस चेक पोस्ट के माध्यम से हर आने जाने वाली गाड़ी का निरीक्षण किया जा सके। कमेटी के प्रधान बलबीर ठाकुर ने बताया कि वर्तमान समय में हजारों की तादाद में लोग घाटी पहुंच रहे हैं। वे वहां कहां से आ रहे हैं, कौन है, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, इसलिए चेक पोस्ट लगाना बेहद जरूरी है। बलबीर ठाकुर ने बताया कि शीघ्र ही पराशर मंदिर कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी मुख्यमंत्री से पर्यटन के नाम पर सांस्कृतिक धरोहर को कभी भुलाने का ना आग्रह करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि यहां आने जाने वालों पर चेकिंग की जाए। हम आज जिलाधीश से मिलने आए थे पराशर झील परिसर को लेकर। सभी जानते हैं कि पराशर झील परिसर हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे भारत में शायद एक बिल्कुल हट के अलग एक स्थान है। अपना प्राकृतिक महत्व भी है, अपना ऐतिहासिक महत्व भी है उसका सभी प्रकार से। तो वहाँ जिस आज के भौतिक युग में लोगों का आना जाना बढ़ गया, पहले वो शुद्ध रूप से एक देव संस्कृति का केंद्र था, लेकिन जब से वो सड़कों से जुड़ा तो तब से वहाँ हर तरह का आदमी आ रहा है। उसमें आज के जो कष्ट का विषय ये है कि उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से कम लोग और पर्यटक दृष्टिकोण से या मौज मस्ती के दृष्टिकोण से अधिक लोग आ रहे हैं, और उसमें सभी वर्ग के लोग हैं। सभी, मैं कहूँ ज़्यादातर बल्कि युवा वर्ग के लोग आते हैं, तो वो अधिकतर मौज मस्ती के उसमें आते हैं। और हमने पाया वहाँ पे कि आते तो हैं वो बड़े हंसी खुशी, कई बार वो ऐसे अवैध काम करके जैसे कुछ दारू दुरू पी के अपने सिर फोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए जो उस स्थान का महत्व है, उसकी संस्कृति को बचाना, उसकी स्वच्छता को बचाना, उसके धार्मिक स्वरूप को बचाना, वो दिन प्रतिदिन चुनौती बनता जा रहा है साथ भौतिक युग में। तो आज जिलाधीश महोदय से हमने यही आग्रह किया है। वहाँ पे कुछ सरायें थी जो सरायें केवल देवलुओं के लिए ठहरने के लिए थी, लेकिन वहाँ उन सरायों में उनकी देख रेख के लिए जो लोग नियुक्त किए हैं देव कमेटियों ने, तो उन्होंने वहाँ पे लोगों को ठहराना और उनको उनसे पैसा कमाना, यानी उस स्थान का दोहन करने पे उतारू हो गए हैं।